इस वीडियो में हम बात करेंगे, यहाँ पे अगर आपको इस तरीके से लिखा आता है, यहाँ पे देखिए यू मे रिक्वेस्ट अ न्यू कोड इन, यहाँ पे टाइमर चल रहा है। बेसिकली टाइमर अलग अलग हो सकता है, आपका अलग हो सकता है, मेरा यहाँ पे अलग शो हो रहा है। मेरा यहाँ पे 55 मिनट है, मतलब एक आवर था बेसिकली, तो हमारा टाइम अभी कम हो रहा है। तो अगर आपको भी ये वाली इस तरीके से प्रॉब्लम लिखी आती है, यू मे रिक्वेस्ट अ न्यू कोड, और यहाँ पे आपका कोड जो है, आप रिसेंट वेरिफिकेशन कोड जो है मतलब नहीं भेज सकते, ठीक है, यहाँ पे आपको OTP भेजने का ऑप्शन नहीं दिया जा रहा है, तो क्या दिक्कत है, कैसे इसको ठीक करना है वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले देखिए, आपने क्या होता है कि बहुत बार अगर आप वेरिफिकेशन कोड OTP मंगवा लेते हैं तो ये प्रॉब्लम आपके साथ आती है। अब यहाँ पे आपको जो टाइम दिया गया है, यू मे रिक्वेस्ट अ न्यू कोड इन 55 या फिर 1 आवर 2 आवर जो भी है, आपको क्या करना है, इसके लिए अपने व्हाट्सएप को यहाँ से बंद कर दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे व्हाट्सएप को, ये जो एप्लीकेशन है इसको मिनिमाइज़ भी कर सकते हैं आप लोग, ठीक है। अभी मैं मिनिमाइज़ इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि हमें OTP मिल चुकी है, तो मैं रजिस्ट्रेशन आगे बढ़ा सकता हूँ, ठीक है। और या फिर आपको मैं नेक्स्ट तरीका बताता हूँ, यहाँ पे आप इसको मिनिमाइज़ करके यहाँ पे जो है इस तरीके से इसको मिनिमाइज़ कीजिए और वापस से उस पेज पर जाकर जो है अपनी नंबर डालकर देखिए, आपकी जो प्रॉब्लम है वो यहाँ पे ठीक हो जाएगी। बस आपको वापस से व्हाट्सएप खोलना है, यहाँ पे आपकी मोबाइल नंबर भर देनी है और उसके बाद यहाँ पे आपका कोड आ जाएगा। अगर फिर भी कोड नहीं आ रही है, ठीक है, फिर भी कोड आने की इशू या फिर दिक्कत है, तो दूसरा क्या तरीका है वो मैं आपको बताता हूँ। तो इसके लिए आपको क्या करना है, अपने फ़ोन का जो सेटिंग है, सेटिंग बार आपको खोल लेना है, सेटिंग में चले जाना है, उसके बाद नीचे स्क्रॉल कर देना है और यहाँ पे मोर सेटिंग में जाएंगे। बेसिकली आपको इस अपने जो व्हाट्सएप है उसके ऐप इन्फो में जाना है, ठीक है। अब बेसिकली अलग अलग फ़ोन के अलग अलग सेटिंग होगी, यहाँ पे हम जो है ऐप मैनेजर में जाएंगे और उसके बाद यहाँ पे नीचे हमें व्हाट्सएप मिलता है, ठीक है, ये ऐप इन्फो है। बेसिकली ऐप मैनेजर में यहाँ पे ऐप इन्फो आती है, ठीक है, ये ऐप इन्फो है। आपको क्या करना है, स्टोरेज में जाना है और इसका क्लियर डेटा यहाँ से आपको कर देना है, ठीक है, क्लियर डेटा भी कर दीजिएगा। और उसके बाद फिर से व्हाट्सएप को खोलेंगे और फिर से आप जो देखिए कि आपकी जो वेरिफिकेशन कोड OTP है वो आपको मिल जाएगी, एक ही बार में आपको मिल जाएगी। अगर नहीं मिलती है तो सेम प्रोसेस आपको बार बार करना होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।